तो दो टीमों के मध्य सीधा मुकाबला है, मातेश्वरी और उदयपुर की टीम हाथीपोल। श्री पीपा क्षत्रिय समाज क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन आप सीधा गांधी सॉरी रेलवे ग्राउंड से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां देखिए 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। समाज के भामाशाहों ने बड़े सहयोग से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को संपन्न कराने जा रहे हैं। आयोजक टीम ने बहुत ही सुंदर का पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है इस टूर्नामेंट को। ये देखिए तो ये दोनों सेमी फाइनल में जाने वाली टीमें हैं, चली गई है, सेमीफाइनल खेला जा रहा है। आप देखते हैं किसके बल्ले में आता है प्रथम और कौन द्वितीय पे आती है। तो इसका पूरा कवरेज हम आपको देंगे ताकि आप देखें, आराम से घर बैठे देखें और अपने समाज के इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। अच्छी बॉल, शानदार गेंदबाजी महेंद्र द्वारा। क्या लगता कमेंट्री, मेरे कमेंट्री भाई भतीजे आशु या सात तक पहुंचाएगा टारगेट को, कहां तक लेके जाना चाहता है इस टारगेट को। मेरे को लगता है ये जिस तरह से बॉलिंग चल रही है 90-100 के बीच में रुक जाएंगे। उतनी अच्छी फील्डिंग हरीश जी द्वारा, अरे वाह वाह। समाप्ति 4 रन, एक ओवर की समाप्ति हुई है और सिर्फ 4 रन बना पाई है। अच्छी बॉल करी थी मयंक ने, 6 बॉल हुई और 4 रन अपने नाम किए हैं हाथीपोल टीम ने। कट किया और ये निकल गया बॉल जो झुकी बॉल ड्रॉ से क्या होता है, 4 रन मिल गए। अपील पर अंदर गोलबाजी है, पर का इशारा नॉट आउट। आसमान भी एकदम साफ है, कहीं हल्के बादल है, कभी धूप आती है तो कभी छांव आती है। मौसम ने साथ दिया तो काफी अच्छी बॉल, पूरा अच्छा लाइव कवरेज होगा। वाह, छोटे छोटे रनों से बढ़ोतरी करते हुए। अच्छा क्या लगता है, पहले वो चौका नहीं जाता तो बहुत ही अच्छा काम था, लेकिन ये चौका चला गया, ध्रुव झुक नहीं पाए, ध्रुव अब कराया नहीं। अच्छा शॉट है, देखते हैं, और ये एक ही रन मिलेगा। ऋषि कह रहे शांति आराम से पकड़ो, इजी खेलो, अच्छा बॉलिंग करो, वक्त साथ दे तो और बात है, बॉल साथ दे तो और बात है। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रेलवे ग्राउंड से श्री पीपा क्षत्रिय समाज की यह उदयपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी आए हैं और अपने अपने बैट बल्ले का दम इस ग्राउंड में दिखा रहे हैं और आप भी घर बैठे इसका आनंद ले रहे हैं। खिलाड़ियों से अनुरोध है बाउंड्री के बाहर होके निकले, आप सभी गेम चल रहा है थोड़े से साइड में निकले, ये प्लेयर जो भी आ रहे बाहर से निकले, क्योंकि कई बॉल लग गई वगैरह कुछ। मंडल में गई है और ये कैच ड्रॉप कर दिया अंपायर का इशारा, इंतजार, बहुत बड़ा कैच ड्रॉप किया है ये।
व्हाइट लाइन पर का इशारा, व्हाइट बॉल सीधे एम्पायर के दस्ताने खुले और बॉल हुई व्हाइट, व्हाइट बॉल देखते हैं सिंगल या दूसरे के लिए दौड़ते हैं नहीं। ओ हवा मंडल, नतीजा कहाँ जाता है, हवा मंडल में पहुंच गया। फिर चौका, फिर चार रन, चार रन। बहुत स्कोर, हॉकी पोल वर्सेस मातेश्वरी टीम, 3 ओवर 32 रन 3-2 0-3 श्री पीपा क्षत्रिय समाज द्वारा एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, 3 ओवर 32 रन 3 दिवसीय टूर्नामेंट सेमी फाइनल सत्र चल रहा है। बॉलर आए हैं पीएस, ओके पीएस दर्जी, पीएस दर्जी शानदार गेंदबाजी पीएस दर्जी द्वारा, बहुत ही अच्छा कैमबैक आशु जी। हाँ मातेश, बिल्कुल मातेश के लिए क्वालिटी और गई है लगता है। वाह क्या शॉट है, गई हवा मंडल में 6 रन। एक विकेट, विराट 12 काफी अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छा मेहनत की अपनी टीम को जिताने के लिए नए बैट्समैन हाथी बॉल टीम। काफी अच्छी बॉल थी, ओवर की समाप्ति। एक विकेट भी दिलाया है पीएस दर्जी ने टीम को, अच्छा विकेट, चिराग आउट हुए जी हाँ, मैं देखा नहीं था, इधर यस था। काफी अच्छा कमबैक किया है बॉलर नाम विजय, और ये दूसरे के लिए दौड़ पड़ेंगे शायद तक, और ये दौड़ पड़े दूसरा रन ले लेंगे और दूसरा रन पूरा कर लिया आसानी से। मातेश्वरी टीम को ये मैच कर जीतना है तो ऐसी मिस फील्डिंग और व्हाइट बॉल, बहुत बड़ी अपील थी शॉट है, देखते हैं सिंगल डबल, सिंगल से संतुष्ट, एक रन लेकर संतुष्ट होंगे बल्लेबाज, अच्छी फील्डिंग। दोनों ही टक्कर की टीमें हैं, मातेश्वरी वर्चेस हाथीपोल, और हाथीपोल भी बहुत ही अच्छा खेलती है,
अब देखने वाली बात यह है कि मातेश्वरी क्या आपने कमाल दिखा थी। वाह अभी तो रन देने में लगी इतनी अच्छी फील्डिंग सिंगल है दूसरे के लिए दौड़ पड़ेंगे एक ही रन देके काफी अच्छी फील्डिंग गौरव के द्वारा देख लेना बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन बिल्कुल कम रन खर्चे अपने इस ओवर में विजय ने जी पैसा पकड़ लेंगे हमारे वाह कट लाकर एक रन लिया पांच ओवर की समाप्ति पर 45 रन एक विकेट के नुकसान पर तो एक ओवर और शेष बचा है देखते हैं अपनी टीम को जीतने के लिए कितने वाह चार निकल गए चार रन के लिए बहुत ही अच्छा ठोका जीती गई है बहुत बार खेल थी उसे खेल दिया बहुत ही अच्छा खेलते पकड़ और ये निकल गई है चौके के लिए बाहर से पता रहे सभी मेहमान को का स्वागत अभिनंदन और ये देखते हैं हरे की पैसा कैच कर लेंगे और ये दो खेलों के बीच में बॉल उलझी दौड़ना चाहते थे ये कॉल हरी जी की थी लेकिन नहीं ये कैच इतना आसान था राजमल जी का स्वागत अभिनंदन जिस किसी महानुभाव को भोजन करना है वो सुभाष जी सोलंकी से आकर टोकन अच्छी बॉल शानदार बॉलिंग के नुकसान पर काफी अच्छे ओवर समाप्त हुए 56 रन हुए हैं इनके अब मातेश्वरी की देखना होगा क्या है देखते हैं कहां तक पहुंचता है ये स्कोर और ये उंगली उठती हुई एम्पायर की आउट और ये जीत सा बिल्कुल और उतने ही हीटर बार आ रहे हैं ये कैप्टन साहब बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलने वाला है अच्छा शॉट है देखते हैं दुर्गेश भाई के वहां से बॉल निकल गए और दूसरे रन के दौड़ पड़े हैं और रन आउट हो सकते नहीं सभी खिलाड़ियों को जो मोमेंटो दिया जा रहा है राम मंदिर के रूप में सब जी मनोहर जी भाई साहब शर्मा जी भाई साहब सब जो मेहमान हो रहे थे मंच पर आप ऋषभ पंत नया नाम दिया ऋषभ पंत ये बॉल ले ले आगे हो ये भी रख ले एम्पायर को दे देना बिल्कुल बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला सुभाष जी क्या लगता है आपको कौन सी टीम भारी पड़ रही है एम्पायर को दे दो अभी तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन पहला मैच जीता था क्वार्टर फाइनल उस हिसाब से तो बेड़वास की टीम बहुत ही पर हाथी बॉल अच्छी टीम है सामने दोनों अच्छी टीम है सुभाष जी वाइड बॉल भोजन करके जावे भोजन तैयार है बॉल हवा में बॉल हवा में और नीचे दुर्गेश भाई नहीं नहीं दूर है दो रन का मार दो रन का मार ये तो बहुत दूर था
बिल्कुल दुर्गा जी जिसे जाने जाते हैं, जिस फील्डिंग से सर मैच होता है, 76 रन। और ये देखते हैं मुझे पता क्या होता है नतीजा, 6 रन का इशारा। बड़े टोटल की ओर बढ़ती हुई आतिफुल की टीम 100 रन पार कर चुकी जाएगी, 2 रन हो गए हैं। बिल्कुल अच्छे टोटल की ओर बढ़ती हुई आतिफुल की तरफ बॉलिंग के लिए जानी जाती है। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग थी लेकिन अभी तक तो बिल्कुल दाल बिगड़ी हुई लग रही है मेरे को अभी तो बॉलिंग की। चलो पकड़ यहीं पे, अरे ये मिस फील्ड ड्रूप गए और बॉल जा रही है। ये देखते हैं 3 रन लिए 2 फुटबॉल खेलते हुए ध्रुव हमारे। बिल्कुल सूझबूझ भाई बल्लेबाजी धीरेन्द्र, 8 ओवर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर अच्छा स्कोर बन जाएगा। सुमी जीतने का हारती है, आंसू की नदी बह गई थी मैंने देखी थी। बिल्कुल थोड़ा सा तो थोड़ा भावुकता तो होती है, मैंने आपको बुलाया बाकी हम बह के चले जाते आंसुओं की नदी में। दुख इसके बाद का होगा टीम मेरी हारी पर खुशी इस बात की। संजू आए, संजू सैमसन, संजू काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। सामने उतने ही अच्छे धुरंधर बल्लेबाज हैं। बिल्कुल धीरू और सनी दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी। माताजी क्लब को शानदार शॉट, दुर्गा जी जाने माने फील्डर्स के नीचे अच्छा शॉट और 1 रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल लास्ट 3 गेंद अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत थी, मात्र 1 रन, शानदार गेंदबाजी हो रही है। ये सिंगल नहीं बनता था, सिंगल दे दिया। इस ओवर में वापसी हुई है माताश्री क्लब की लगता है मेरे को। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपने बोला था अच्छी गेंदबाजी के लिए बड़े बड़े हिट मारने होंगे, बड़ा स्कोर तब्दील करना होगा क्योंकि सामने भी अच्छी भारी भरकम बल्लेबाजी इनके सामने। ये क्या हो गया, टोपी लेके मार नीचे कर देता झोली तो भी आ जाती है। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, अच्छा ओवर जा रहा था पर ये सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। बता भी रहे थे टोपी की झोली मार देता बॉल पड़ जाती उसमें नीचे गुजारे तक। बिल्कुल टोपी ऐसी आप इसीलिए दिए इनको। बहुत अच्छी फील्डिंग थ्रो और ये 2 रन का उत्तीर्ण प्रहार का होगा। और बादशाह धीरे फेंकी बाकी तो बार गेंदों के लिए देखो असल जी आप 94 रन मात्र 1 ओवर शेष। तो 10 ओवर का ये पूरा टूर्नामेंट स्कोर की ओर जाती हुई आतिफुल की टीम। आप देखिए कि अच्छे रन से लीड ली है। अरे जी अपनी कमान संभाल चुके हैं, टोपी खोल के अपने वंट लगाने चालू कर दिए। ये वंट मेरे साथ चिक्की शॉट मारने के चक्कर में धीरेन्द्र बीट हुए। नरेश जी मेरे साथ खाना खाते खाते चोटी के वंट लगा रहे थे और अभी आप देख सकते हो टोपी खोल दी है इन्होंने। बोल पे ध्यान देना, बोल पे। देखते हैं नरेश जी की भविष्यवाणी क्या रहती है। एक,
अच्छी बॉल, अच्छा शॉट। हेलो, अच्छी बॉल। और इस बार नरेश जी की भविष्यवाणी सही निकलती हुई और धीरेन्द्र का उनके पक्ष में नहीं गया। वाइस कैप्टन पीयूष भैया मैदान में, चेंज कर लेंगे, स्ट्राइक करिए। काफी अच्छी बैटिंग धीरेन्द्र ने दिखाई है और हाथी बॉल टीम को इधर लेकर जा रहे हैं रेलवे ग्राउंड। ठीक है, ठीक। अच्छा शॉट, जिस चीज की टीम को जरूरत थी वो हुआ। दोनों भाई राम लखन अब स्ट्राइक पर, लखन पहले ही आ चुके थे। अच्छी बॉल, नहीं समझ पाए सनी। काफी अच्छा ओवर मातेश्वरी टीम के लिए, अभी तक घटता हुआ। अगर अंतिम बॉल अच्छी निकाल देते हैं। और ये सनी ने घुमाई बॉल और ये सीधे छक्का, सिक्स। अनिश जी, नरेश जी ने 101 का टारगेट दिया था लेकिन वो 102 का लिया था, लेकिन वो बढ़कर 104 का हो गया है। भविष्यवाणी 104 का टारगेट पूरा करेगी मातेश्वरी टीम। चुनौती है, देखिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन कर रहे हैं सभी। हाथीपील टीम ने बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी दिखाई। अब मातेश्वरी टीम की बारी है। दोनों आपस में अच्छी टीम मानी जाती है क्योंकि ये मैच में अपना प्रदर्शन दिखाती है।